हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज जो ये जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब अपडेट लाया हूं जो कि रिगार्डिंग इंडियन आर्म फोर्सेस से है, इंडियन नेवी से है, इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जनरल की पोस्ट निकाली गई है। ओके, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप लोग यंग डायनामिक है और अगर आप लोग में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो इससे अच्छी जॉब आप लोगों के लिए लाइफ टाइम नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत सीरियसली इसको लीजिएगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को ये जॉब अपडेट नोटिफिकेशन मेरे थ्रू पहुंचा जा सके। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जब भी मैं कोई जॉब अपडेट के बारे में बताता हूं तो मैं पूरे डिटेल में उसको डिस्कस करता हूं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन लेना है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट लिंक चाहिए जिससे आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जेनिक लाइफ ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको यहां इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस जॉब को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट जनरल की पोस्ट आई है। पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो पोस्ट है इसको कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो पोस्ट आई है ये ओबीसी एससी एसटी लोगों के लिए है। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेज में बहुत सारी पोस्ट निकलते रहती है, मैं उसको भी अपडेट करता रहूंगा। नाउ इस पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। टोटल पोस्ट जो यहां निकाली गई है वो 25 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए 14 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप इन लोगों को ऐड करेंगे तो 25 पोस्ट आएगी। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोस्ट है गजटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है, मतलब ये ग्रेड ए की पोस्ट है। मतलब इतने कम एज में एक गजटेड ऑफिसर की पोस्ट मिलना, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट और किसी गवर्नमेंट वैकेंसीज में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता होगा। अच्छा, यहां पर एक और मैं बात कर दूं कि जो फाइनल ईयर है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, आप लोगों के पास आपका प्रोविजनल, मतलब आप लोग पास आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, आपके पास आपकी बैचलर्स डिग्री का जो होना चाहिए सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूं। एज क्राइटेरिया जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996 यानी कि 1 जुलाई 1996 to 30 जून 2000 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 जुलाई 1996 से पहले पैदा हुए हैं या फिर आप 30 जून 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, 1 जुलाई 1996 और 30 जून 2000 ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है, यानी कि इस दिन भी अगर आप पैदा हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में इसमें अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों का मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और अगर आप लोगों को सीजीपीए अलॉट होता है, ठीक है, तो सीजीपीए एसपीए इसमें भी आपके जो ग्रेड होते हैं वो इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री या उससे अबव होने चाहिए। मैं यहां पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जो फॉर्म आप भरेंगे वो फॉर्म में क्लियर कट ये मेंशन है कि आपका जो 10th 12th है उसमें भी 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। और फॉर्म भरते समय जो भी आप भरेंगे, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो क्लास 10th के
जो आपका ये फॉर्म होता है, सॉरी क्लास 10 का जो आंसर शीट होता है, जो आपका रिजल्ट होता है, उस बेसिस पर ये होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। 25 पोस्ट है ये मैंने आपको बता दी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया है, मैंने आपको एज और डेट के बारे में भी बता दी है, ठीक है। नाउ इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका डेट मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं डेट के बारे में क्लियर कर देता हूं। तो 21 दिसंबर को रात 12 बजे से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी डेट नहीं आई है फॉर्म फिलिंग की, तो बिल्कुल रश करने की जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कट तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में इसको समझाया गया है कि आपको क्या-क्या करना है। सो 21 2020 को रात को 12 बजे से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 28 दिसंबर के रात के 12 बजे के बाद, जो 21, और लास्ट डेट भरने की है 27 दिसंबर रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले, यानी 11:59 PM तक। ओके, नाउ यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पहले तो इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों को जो साइट है, ठीक है, joinindiancoastguard.gov.in, ठीक है, इस साइट पे जाना पड़ेगा। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और इस जो लिंक है, ये लिंक मैं हमारे जेनिक लाइव ऐप के जो ऐप है उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि उसमें से आप डायरेक्ट जा सके। इसमें स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है कि आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी जॉब, मैं अगर जॉब के बारे में कहूं तो इससे बेहतरीन जॉब नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टली जब आप सेलेक्ट होंगे, यहां पे 2-3 फेजेस हैं सिलेक्शन के, स्टेज 1 स्टेज 2 सिलेक्शन, ठीक है। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद आपको जो पहली पोस्ट मिलती है वो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की, और उसके बाद यहां पर आपकी जो रैंक है वो डेप्यूटी कमांडेंट, कमांडेंट, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, ऐसे करके आप डायरेक्टर जनरल तक जाएंगे। और इसमें अगर आप स्टार्टिंग बेसिक पे देखें तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ओके। और ये आप अपने जो 15 ईयर्स के जो आर्म फोर्सेस के जो पीरियड होता है सर्विस का, उसके अंदर आप ये सारे पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि मैं 100% इस मामले में सही हूं या नहीं, बट यहां तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं तो आप देखिए कि यहां पर आपकी सैलरी 2,05,400 rupees पर मंथ है, ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। और इसके अलावा जो अलाउंस आपको इंडियन आर्म फोर्सेस देता है उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, उसके बारे में तो आप खुद यहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस है, देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी इंडियन आर्म फोर्सेस में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट के बारे में मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। आई साइट में आपको यहां 6x6 और 6x9 मांगा है विदाउट ग्लासेस, जिसे A1 कैटेगरी और A2 कैटेगरी भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको चश्मा लगा है मेरी तरह, तो चश्मे में आपकी विजन 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। 6x6 का मतलब ये होता है कि पूरी क्लियर विजन होनी चाहिए विद स्पेक्स आल्सो। सो अगर किस लोगों को स्पेक्स है तो आपको घबराने की बात नहीं है, स्पेक्स वाले कैंडिडेट्स भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाइट के लिए मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके, 157 सेंटीमीटर को आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो एससी एसटी एंड ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, देखिए मैंने जो आपको ये डेट बताया है, जो डेट ऑफ बर्थ जो इसमें क्राइटेरिया है, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर ओबीसी एससी एंड एसटी कैंडिडेट, वो भी आपको फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को यहां पे बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, यहां पर आप लोगों को जब फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा। कुछ सेंटर्स हैं जो दिए गए हैं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आपको कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर मुंबई, कोस्ट गार्ड स्टोर डिपार्टमेंट चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, यहां पे किसी भी जगह आपको बुलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा देयर आर ओनली 25 पोस्ट, तो आपको अपना फिजिकल में बेस्ट देना पड़ेगा। आपका मेंटल, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी वैसी होनी चाहिए कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट हो सके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये जो जॉब नोटिफिकेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए मैं इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करूंगा, बट मेरा टारगेट है कि आज के इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ये भी बताऊंगा कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जो जॉब अप्लाई करते हैं, इसका थोड़ा अलग तरीका होता है जॉब अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम मुझे 100 लाइक्स देने पड़ेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आप इसे सीखना चाहते हैं, कि आप ये फॉर्म कैसे भरें। तो अगर आप लोग मुझे
लीजिए, मिनिमम 100 लाइक्स देंगे, ठीक है, मिनिमम। सो मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊंगा जिस पर मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे साइट पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, सो बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए आप रेडी रहिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये जॉब नोटिफिकेशन वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं और जॉब नोटिफिकेशन वीडियोस के साथ आता रहूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।